हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी के प्रिपरेशन विद कीर्ति। तो आज के जो वीडियो में क्वेश्चन दिए हुए हैं वो 5 जुलाई के करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं कि 4 से 5 जुलाई के बीच में क्या घटनाएं हुई हैं उनको लेके कुछ करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चन हैं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और जो बेल आइकॉन रेड बेल आइकॉन बटन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि आपको डेली के जो मैं वीडियो पब्लिश करती हूँ उसका नोटिफिकेशन मिल सके। आप लोग सजेस्ट कीजिए कि किस टाइप के वीडियो आपको पसंद है या फिर किस टाइप के जी के या करंट अफेयर्स रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो मैं उस टाइप की वीडियो प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगी। वाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में जगन्नाथ रथ यात्रा 2019 में कहाँ शुरू हुई है? तो ये अभी रिसेंटली पुरी में स्टार्ट हुई है जगन्नाथ रथ यात्रा, उड़ीसा के पुरी में 2019 में जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हुई है पुरी में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा सी, पुरी। नेक्स्ट, हाल ही में आईएमएफ ने किस देश को $6 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो हाल ही में आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए $6 बिलियन के ऋण की मंजूरी दी है क्योंकि अभी पाकिस्तान के पास है जो अभी उनके पास नकदी और करेंसी की कमी आ गई है, इस कारण से आईएमसी ने इस पाकिस्तान को $6 बिलियन के लोन की मंजूरी दी है। तो आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है मैंने कल ही आपको बताया था, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में नीति आयोग के AMFFR इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो यहाँ पे AMFR है क्या, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म्स। तो इसमें अभी नीति आयोग के AFMR के इंडेक्स में कौन सा राज्य टॉप पे रहा है, शीर्ष पे रहा है? तो रहा है महाराष्ट्र। तो नीति आयोग, यहाँ पे एक जो वर्ड यूज़ किया गया है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष रहते हैं प्रधानमंत्री। तो अभी रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, तो वो इसके अध्यक्ष नीति आयोग के। और नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में और इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार और अभी रिसेंटली CEO कौन है, अमिताभ कांत। और अमिताभ कांत का अभी जो रिसेंटली CEO है नीति आयोग के, इनका जो कार्यकाल है वो अभी एक्सटेंड कर दिया गया है, 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है नीति आयोग के CEO का कार्यकाल अमिताभ कांत का। नेक्स्ट, हाल ही में 21वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये उड़ीसा में किया जाएगा, उड़ीसा के कटक में 21वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा, उड़ीसा के कटक में। कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप होनी है जो 21वीं, ये उड़ीसा में की जाएगी। नेक्स्ट, हाल ही में समुद्री मार्ग यात्रा के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो अभी रिसेंटली भारत ने समुद्री मार्ग के यात्रा के लिए मालदीव के साथ समझौता किया है। तो यहाँ पे आंसर आएगा मालदीव, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मालदीव। नेक्स्ट, हाल ही में पर्सनल एथलेट्स ग्रैंड प्री में हेमा दास ने कौन सा पदक जीता है? तो हेमा दास ने भी रिसेंटली स्वर्ण पदक जीता है 200 मीटर की रेस में। और ये पर्सनल एथलेट्स ग्रैंड प्री कहाँ आयोजित हुआ है? पोलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में वरुण हल्दर का निधन हुआ है वो कौन थे? तो यहाँ पे वरुण हल्दर जो नाम है वो कौन थे, वो एक न्यूज़ एंकर थे, इन्होंने 1990 तक न्यूज़ में एंकरिंग की है, फिर उसके बाद अभी इनका रिसेंटली कोलकाता में निधन हो गया है। तो वरुण हल्दर कौन थे, मशहूर न्यूज़ एंकर थे। नेक्स्ट, हाल ही में जारी यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत विकलांग बच्चे कभी स्कूल नहीं गए हैं? तो हाल ही में जो यूनेस्को ने रिपोर्ट जारी की है तो उसके अनुसार भारत में 27% विकलांग बच्चे कभी भी स्कूल नहीं गए हैं। तो यहाँ पे जो यूनेस्को वर्ड आया है तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन।
इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, पेरिस में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में KYC मानदंडों का उल्लंघन करने पर RBI ने कितने बैंकों को जुर्माना लगाया है। तो हाल ही में जो KYC के जो रूल्स हैं और मानदंड हैं उनका उल्लंघन किया है कुछ बैंकों ने, तो उन पर कौन कौन सी बैंकों पर RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों पर जुर्माना लगाया है। तो अभी RBI ने 4 बैंकों पर जुर्माना लगाया है उन्होंने, तो 4 बैंक हैं, उनमें से एक तो PNB, अलाहाबाद यूको बैंक एंड कॉरपोरेटिव बैंक। तो PNB बैंक है और अलाहाबाद बैंक और यूको बैंक पे 50 लाख का जुर्माना लगा है, और जो कॉरपोरेशन बैंक है उस पर 25 लाख का जुर्माना लगाया है RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, क्योंकि इन चारों बैंकों ने जो KYC के मानदंड हैं उनका उल्लंघन किया है। तो यहाँ पे जो KYC वर्ड यूज़ किया गया है तो उसका मतलब होता है नो योर कस्टमर। यहाँ पे जो KYC वर्ड है इसका मतलब होता है नो योर कस्टमर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य ने पहला निवेशक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य में पहला निवेशक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, तो अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर में सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2020 तक 50 लाख पेड़ लगाने की घोषणा की है। तो अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर ने ही 2020 तक 50 लाख पेड़ लगाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में न्यायपालिकाओं के बीच आपसी सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है। तो अभी जो रिसेंटली भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है कि जो भारतीय न्यायपालिका है उनके बीच में आपसी सहयोग बना रहे, इसके लिए भारत ने मोरक्को के साथ समझौता किया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, मोरक्को। तो भारत ने अभी मोरक्को के साथ एक समझौता किया है जिसमें जो भी भारत में न्यायपालिका है उनके बीच आपसी सहयोग बना रहे काम करने को लेकर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, सरकार ने 2025 स्वास्थ्य सेवाओं के लिए खर्च के GDP के किस लक्ष्य तक लाने का निर्धारण किया है। गवर्नमेंट ने कितने परसेंट तक एम रखा है कि जो GDP है उसको 2025 तक बढ़ाया जा सके हेल्थ सर्विसेज के लिए, तो वह 2.5%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय उद्यान में एक विशेष राइनो संरक्षण बल तैनात किया गया है। तो अभी रिसेंटली काजीरंगा नेशनल पार्क में एक विशेष संरक्षण राइनो है जो उसके लिए तैनात किया गया है काजीरंगा नेशनल पार्क में एक जो राइनो संरक्षण बल है उसको तैनात किया गया है। नेक्स्ट है, सरकार 2019-2020 सीजन के लिए धान की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितने रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया है। 2019-2020 में जो सीजन रहेगा धान की फसल का, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको कितने रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ा दिया है। तो अभी गवर्नमेंट ने 65 रुपये प्रति क्विंटल तक इस मूल्य को बढ़ा दिया है, 65 रुपीज़ पर क्विंटल। नेक्स्ट है, हाल ही में BK बिड़ला का निधन हो गया है, वह एक फेमस कौन थे। मीन जो BK बिड़ला का निधन हुआ है वो फेमस थे, वो बट किस चीज़ के लिए फेमस थे। तो वो एक उद्योगपति थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे। तो यहाँ पे आंसर आएगा B, उद्योगपति। गाइज यहाँ पे टोटल 15 क्वेश्चंस थे, गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आज ही के 5 जुलाई के करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो गाइज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।